जो हमारे फार्मर जिस परिस्थिति से गुजर रहा है कि हाई पीएच है, सोचता है कि नहर का पानी लगा लूँ मैं, तो चाहे हम खेती कुछ भी करें, जब तक हमारी ज़मीन के अंदर में ऑर्गन की मात्रा सही नहीं होगी, 0.5% नहीं होगी, और आपका ईसी सही नहीं होगा, हम कितना भी सोना डालें वो हम अच्छी खेती नहीं ले सकते। और जो खाद डालते हैं आजकल, जो पुराने जो खाद थे वो डालता है और थोड़े दिन प्लांट को मिलता है, फिर एबिलिटी बंद हो जाती है। जब प्लांट की जो जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो नहीं मिल पा रहा, तो जो नहर का पानी आ रहा है तो हम समझते हैं बहुत अच्छा पानी है, लेकिन जो नहर का पानी आके हम स्टोर कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका पीएच बढ़ जाता है। मेरी सॉइल का पीएच हाई होता है तो वहाँ फंगस ज़्यादा ग्रो करता है, और जब आपका एसिडिक फॉर्म में आपका पीएच रहेगा, 7 से नीचे बिलो रहेगा, तो वहाँ आपके फंगस कम ग्रो करेंगे। ऐसे कुदरत ने एक खजाना दिया है समुद्र के अंदर, उसी को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इसमें सल्फर सल्फेट फॉर्म है, कैल्शियम आपका सल्फेट फॉर्म में है, पोटास सल्फेट फॉर्म में है, और मैग्नीशियम भी सल्फेट फॉर्म में है। इसका जो बेनिफिट है, रेडी द मूव है, जिस फॉर्म में आपको भोजन चाहिए प्लांट को, उस फॉर्म में आपको भोजन मिल रहा है, और प्लांट को लंबे समय तक मिल रहा है। खासियत है 90% प्लांट इसको ग्रहण करता है, 10% इसकी लीचिंग लॉसेस है, और यदि इस साल प्लांट ने नहीं लिया तो नेक्स्ट क्रॉप लेगी, क्योंकि ये कहीं भी लीचिंग नहीं हो रहा, जैसा स्लो लीच फर्टिलाइजर है। किसान भ्रावो सत श्री अकाल, मैं प्रगट सिंह फसलों की जानकारी तो। अक्सर आप मिट्टी टैसटिंग रिपोर्ट तो बाद देखते हैं, कदे अपनी पोटास की घाट है, कदे मैगनीशियम की घाट है, कुछ होर, पर आप वक्खो वक्खरियां प्रचलित पुरानियां खादां की वरतों कर रहे हैं, जिदे करके सोयल कंटैमिनेट हो रही है, जां जिथे नहरी पानी रखते हैं हाई पीएच, खादा पाउण दे बावजूद फसल एक बार वधिया चलती है पर झाड़ चंगे नहीं आउंदे हैगे। लगातार तो 2 साल तो मैं भी टैसटिंग कर रहा सीगा, कोई इस तरह का ऑरगैनिक प्रोडक्ट मिले जिदा कि सिंगल पैसे लगते, फार्मर पैसे देने को तैयार आ पर रिजल्ट आने चाहिए आ। कई बार बाकी कंट्रियां दे विच यूज़ हो रहा हुंदा, आपां नूं नहीं पता हुंदा, पर जां कई बार आपां बहुता महंगा देख के भी नकार जांदे आ, पर जिस चीज़ का रिजल्ट आ मार्केट दे विच, आपां सल्फर मैगनीशियम पोटाश कैल्शियम ये चीज़ां लैके पाउणियां शुरू कीतियां, जिहड़े फार्मर 3 फसलां अपने खेतों के लेंदे आ, पर मार्केट दे विच कंबीनेशन का कई प्रोडक्ट आ रहे। इस तरह ही एक प्रोडक्ट आ रहा है काफ़ी टाइम तो पॉलीसल्फेट के नाम से, जिहदे विच चारे ही न्यूट्रिएंट ऑरगैनिक फॉर्म के अवेलेबल आ, जिहड़े स्लो रिलीज आ, उहदे नाल संबंधित काफ़ी फार्मर फोन पर भी पुछते रहेंदे सीगे, ते परसनली मिलते आ, वह भी फार्मर पुछते रहेंदे कि रिजल्ट वधिया आ रहा, तुसीं बाकी फार्मर नूं भी दसो, जां इहदे विच की खास है, मार्केट जो आपां वक्खो वक्खरा लैके पाउने आ, उहदे सारे ही सवालों के जवाब देने लई अपने नाल जी बी शर्मा जी मौजूद आ, जो कि नॉर्थ इंडिया ICL देखदे हैगे, ते ICL इस खाद नूं मार्केट दे विच लैके आया, ते किवें आपां उहनां तों सवालों के नाल जो भी गलबात करांगे वो सारी आप इस वीडियो के राही तुहानू दिखाउण की कोशिश कर रहे हैं, तुसी बाकी फार्मरां दे नाल जरूर साझी करो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल प्रगट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया मेरे को, और फार्मर तक पहुँचने का बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया। जो फार्मर के क्वेश्चन हैं जो आप जैसा बता रहे हैं, और जो हमारे फार्मर जिस परिस्थिति से गुजर रहा है कि हाई पीएच है, सोचता है कि नहर का पानी लगा लूँ मैं, और उससे सोचता है कि पीएच मेरा सही मेंटेन रहेगा, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है, या जो फार्मर हमारे जो खेत का पराली होती है उसको मल्चिंग नहीं कर रहे और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं सही कर पा रहे, तो चाहे हम खेती कुछ भी करें, जब तक हमारी ज़मीन के अंदर में ऑर्गेनिक की मात्रा सही नहीं होगी, 0.5% नहीं होगी, और आपका ईसी सही नहीं होगा, हम कितना भी सोना डालें वो हम अच्छी खेती नहीं ले सकते और हमारी अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। तो जैसा आप फीडबैक बता रहे हैं फार्मरों के, आपके पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे लाखों फार्मर जुड़े हैं और आपकी सलाह से काम करते हैं और अच्छा बेनिफिट लेते हैं। तो जैसा आपने पॉलीसल्फेट बताया, ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यूके से माइन से निकल के आता है, और एक पत्थरनुमा है, और उसको हम केवल बारीक देखें, इसके 3 ग्रेड आते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड, मिनी ग्रेड और प्रीमियम। तो इंडिया के अंदर हम इसको स्टैंडर्ड ग्रेड दे रहे हैं, और ये पाउडर फॉर्म में, इसके अंदर में सबसे बड़ी जो खासियत है, हम जो फार्मर डालता है, कोई भी खाद डालता लीचिंग हो जाती है और पानी नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत स्लो लीच फर्टिलाइज़र है, प्लांट को धीरे धीरे लंबे समय तक मिलता रहता है। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट है पोटास की, जब रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, जब रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, जब रिक्वायरमेंट है आपकी सल्फर की, जब उसको प्लांट को मिलता है। नहीं, हम जो खाद डालते हैं आजकल, जो पुराने जो खाद थे वो डालता है और थोड़े दिन प्लांट को मिलता है, फिर एबिलिटी बंद हो जाती है। जब प्लांट की जो जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो नहीं मिल पा रहा, तो प्रोडक्शन भरपूर मात्रा में नहीं ले सकते, जो उसकी
क्रॉप की क्षमता है उसके अनुसार। शर्मा जी, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि फार्मर सॉयल टेस्ट ही करवाता है, उसमें पोटाश की मात्रा काफी ज्यादा है, सॉयल में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर क्रॉप को देखते हैं तो क्रॉप के ऊपर इनकी डेफिशिएंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, ये क्या कारण होता है? प्रकट जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मेरी सॉइल के अंदर जो पीएच हाई बढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, तो वो आप सॉइल टेस्ट करा रहे हैं और सॉइल के अंदर वो चीज़ दिखा रहा है, तो वो इस स्थिति में कि प्लांट उसे ले ही नहीं सकता, तो या तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट कोई डालना पड़ेगा कि वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाए, या मेरे प्लांट को ऐसा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा जो रेडी अवेलेबल है, तो मुझे ऐसे फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे, घुलनशील वाटर सोल्यूबल यूज करने पड़ेंगे जो प्लांट को मिल सकें, और जिस फर्टिलाइजर का पीएच कम होगा वो फर्टिलाइजर अच्छी मात्रा में ग्रहण कर पाएगा। जैसे आपने लास्ट ईयर भी यूज किया था कॉटन में पैकासेड 0:60:20, उसका जो पीएच है 2.2 पीएच है, आप जैसे ही उसको एप्लीकेशन करेंगे डायरेक्ट पानी के साथ में, तो वाटर के पीएच को रिड्यूस करेगा, कुछ हद तक सॉइल के पीएच को रिड्यूस करेगा। जब पीएच कम होता है, जो ऑलरेडी फिक्स पड़ा है पोटास फास्फोरस, उसको अवेलेबल फॉर्म में करा देता है, जिससे प्लांट अच्छी ग्रोथ आ जाती है। जो नहर का पानी आ रहा है तो हम समझते हैं बहुत अच्छा पानी है, लेकिन जो नहर का पानी आके हम स्टोर कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका पीएच बढ़ जाता है। जब वो पीएच बढ़ जाता है, जब उसको हम इरिगेशन करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन अपटेक कराने में सहायक नहीं होता, और वो सॉइल के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिशन पड़े हैं वो फिक्स रहते हैं और प्लांट को वो ले नहीं पाता। हम कंपेयर करें महाराष्ट्र को, तो जहाँ जो महाराष्ट्र का जो फार्मर शुगर लगा रहा है, चाहे कॉटन लगा रहा है, चाहे पोटैटो लगा रहा है, जब कोई मैं फर्टिलाइजर देता हूँ तो रूट्स हेयर से कितना दूर आपका फर्टिलाइजर पड़ा है, न्यूट्रिशन पड़ा है, तो प्लांट लेने की जो क्षमता है, फास्फोरस को 1 mm पर से दूर से लेता है, नाइट्रोजन को 20 mm से लेता है, पोटास को 7 mm है, कैल्शियम मैग्नीशियम को 5 mm से। तो जब हम कोई ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर डालते हैं तो हम इतने पास नहीं दे सकते, क्यों? घोल के नहीं दे रहे। जब वाटर सोल्यूबल को हम घोल के दे रहे हैं तो ड्रिप से दे रहे हैं, तो उसके रूट के पास जा रहा है, रूट हेयर के पास जा रहा है, तो वो प्लांट उसको अवशोषण ग्रहण ज़्यादा कर रहा है, जिससे प्लांट की स्थिति अच्छी सुधर रही है। और ड्रिप से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जब चाहें, जब जिस प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता नाइट्रोजन दे सकते हैं, पोटास की आवश्यकता पोटास दे सकते हैं, और जब उसको फास्फोरस जरूरत है फास्फोरस दे सकते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता है तो कैल्शियम दे सकते हैं, तो प्लांट की नीड के अनुसार हम ड्रिप फर्टिगेशन कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भरा, वो पानी नू बचाउन दे लई ड्रिप इरीगेशन ते बाकी स्टेटा वांगू पंजाब नू भी आना पैना, क्योंकि इहदे नाल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रोंग हो जाते हैं, पैरामीटर काफ़ी कंट्रोलेबल हो जाते हैं, पानी की बचत भी होंगी है। पर मैं शर्मा जी तुहानू एक होर सवाल पूछना चाहवांगा, जिदा पीएच कंट्रोल च आंदा अगर फार्मर दे, की माइक्रोबियल एक्टिविटी भी वधदी है, उहदे विच बैक्टीरियल एक्टिविटी या फंगस नेचुरल फंगस एक्टिविटी वो भी वधदी है? मेरी सॉइल का पीएच हाई होता तो वहाँ फंगस ज़्यादा ग्रो करता है, और जब आपका एसिडिक फॉर्म में आपका पीएच रहेगा 7 से नीचे बिलो रहेगा, तो वहाँ आपके फंगस कम ग्रो करेंगे, तो जिस सॉइल का पीएच हाई है तो वहाँ आपका प्लांट कम चलेगा, और जहाँ पीएच 7 से नीचे है, 7 के बराबर में, सारे अनुमत देखें तो 6 से लेकर 7 तक ज़्यादा हर न्यूट्रिशन ज़्यादा अप्रेक करता है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे पोटास है, चाहे वो कैल्शियम है, उस पीएच से सूटेबल रहता है, तो वहाँ पर अच्छा प्लांट कर ग्रहण अच्छा करता है न्यूट्रिशन को। इसमें सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम पॉलीसल्फेट में है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, केमिकल फॉर्म में है, सिंथेटिक है, कैसे काम करता है, इसके बारे में खुल के बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैंने जैसा अभी आपको बताया, पॉलीसल्फेट एक नेचुरल प्रोडक्ट है, यूके अंदर हम समुद्र से 1500-1500 मीटर गहराई से निकाल के लेके आ रहे हैं, और जैसे अद फर्टिलाइजर देकर हम करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कोई प्रोसेस नहीं करते, कोई केमिकल क्रिया नहीं करते, जैसा हम निकाल रहे हैं उसको क्रैश करते हैं और बारीक करते हैं, और उस बारीक करके तुरंत आप जैसा निकलता वैसे ही हम आप तक पहुँचा देते हैं। केमिकल प्रोसेस होने के बाद कोई उसकी संरचना चेंज हो जाती है, तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर में चेंज हो जाता है, पॉलीसल्फेट के अंदर कोई भी संरचना चेंज नहीं होती, जैसे कुदरत ने एक खजाना दिया है समुद्र के अंदर, उसी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें सल्फर सल्फेट फॉर्म में है, कैल्शियम आपका सल्फेट फॉर्म में है, पोटास सल्फेट फॉर्म में है, और मैग्नीशियम भी सल्फेट फॉर्म में है। इसका जो बेनिफिट है, रेडी द मूव है, जिस फॉर्म में आपको भोजन चाहिए प्लांट को, उस फॉर्म में आपको भोजन मिल रहा है, और प्लांट को लंबे समय तक मिल रहा है। जो इसकी जो खूबी बताई मैंने, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। तीसरा हम देखेंगे, अलग अलग हम फर्टिलाइजर लेंगे, कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, सल्फर लेंगे, तो आपस में मिक्स नहीं कर सकते, इसमें ऑलरेडी मिक्स है, तो प्लांट को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फार्मर इसको
या जो फार्मर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है वो भी मान्य है, ओमरी से स्थापित है ये, और आपका ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं, और जो वैसे खेती कर रहे हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। शर्मा जी, देखा गया है कि अगर हम एक क्रॉप में कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, चाहे बायो का है, रूढ़ी खाद को यूज़ करते हैं, या किसी भी फर्टिलाइजर को क्रॉप की अच्छी पैदावार के लिए यूज़ करते हैं, तो पूरा तो कोई भी क्रॉप उसको ले नहीं सकती, वो सोयल में रह जाता है और अगली वाली क्रॉप उसको लेती है। क्या इसमें भी ऐसा कोई गुण है जो अगली वाली क्रॉप इसको लेगी? बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन पूछ के। पॉलीसल्फर ऐसा है कि हम जितने फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ प्लांट ग्रहण करता है, कुछ सॉइल में फिक्स हो जाते हैं, कुछ लीचिंग चले जाते हैं, लेकिन इसके जो खासियत है 90% प्लांट इसको ग्रहण करता है, 10% इसकी लीचिंग लॉसेस है, और यदि इस साल प्लांट ने नहीं लिया तो नेक्स्ट क्रॉप लेगी, क्योंकि ये कहीं भी लीचिंग नहीं हो रहा। जैसा स्लो लीच फर्टिलाइजर है तो ये लीचिंग ज़्यादा इसकी लॉसेज नहीं है, अगली क्रॉप इसको जरूर ग्रहण करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है, जहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जहाँ फार्मर दो साल लगातार यूज कर रहा है दो क्रॉपों के अंदर, उसकी वाटर होल्डिंग अच्छी बनती जा रही है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये पीएच को रिड्यूस करेगा। यदि आपका हाई पीएच है तो पीएच को नीचे लेके आएगा, और यदि आपका एसिड फॉर्म है तो 7 की तरफ लेके जाएगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो रही है आपकी, और पीएच भी सुधरेगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं समझें फार्मर कि पीएच का एक बार मैंने खाद डालेगा वो सुधर जाएगा, टाइम लगेगा। यदि कोई चीज़ ये 10 साल की 20 साल में पीएच बढ़ता है, और लगभग 5-6 साल में पीएच रिड्यूज होता है, तो धीरे धीरे रिड्यूज होगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ साथ हो जाए। यदि हम पैडी की बात करें, जैसे पैडी का सीजन 15 जून से लगने वाली है, तो इसका जो सही समय है ट्रांसप्लांटिंग के 1 हफ्ते बाद और 30 दिन तक, आप कभी आज ने ट्रांसप्लांटिंग की है उसके 30 दिन तक आप कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कॉटन के अंदर हम देखें तो आप पहला पानी लगा रहे हैं या सोंग के समय डाल सकते हैं, पहले पानी के समय डाल सकते हैं, और दूसरे पानी से पानी लगाने से पहले डालना है। ऐसा नहीं है कि हमने पानी लगा दिया फिर डालेंगे, क्योंकि ये बिना पानी के वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि इसको घुलने के लिए पानी चाहिए, और जब घुलेगा तो ये प्लांट को मिलेगा। अनुमान तो हम किसी के साथ स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो फूड वांट हमारा जो ग्रेड है जिसमें कैल्शियम है, तो जो फंगीसाइड आपके सल्फर बेस हैं या कॉपर बेस हैं तो उनसे थोड़ा बचना चाहिए। जैसे पीक वांट है, पीक वांट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 0.4932, आप उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट फंगीसाइड मिला सकते हैं, कोई भी इंसेक्ट मिला सकते हैं, और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कॉपर के साथ नहीं मिलता, सल्फर के साथ नहीं मिलता, तो हम उसको करने की सलाह नहीं देते, बाद भाई सभी को सलाह देते हैं। किसान भरा, वो पॉलीसल्फेट के नाल काफ़ी ज्यादा इनक्वायरियां सीगियां, जिन्हां दे नाल मोटे मोटे जुड़े हुए सवाल मैं पूछने की कोशिश की है। आस करना कि तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे, पर मार्केट दे विच काफ़ी ज्यादा प्रोडक्ट आ जिहड़े ओह मल्टी न्यूट्रिएंट बेस चल रहे, बट ऑरगैनिक नहीं है, लोंग टाइम उन्हां दा रिजल्ट नहीं मिलता है, तुसीं पैसे लाने हो उहदा रिजल्ट तुहानू जां तां पैदावार दे विच मिले, जां फसल दे उत्ते घट बीमारियां जां मिट्टी दी सेहत लगातार बनी रहे। अपना भी यही मनोरथ कि किसानां नू वध तों वध यह जी जानकारियां लिया के दित्तियां जाण। तुसीं अपने स्टूडियो दे विच आए, तुसीं बहुत बहुत जानकारी दी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।